राधे राधे दोस्तों दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी जन्म पत्रिका के अनुसार समस्त ग्रहों का शुभ अशुभ प्रभाव अवश्य आता है। इन ग्रहों के प्रभाव के कारण व्यक्ति सुख भोगता है और इन्हीं ग्रहों के प्रभाव से उसे अनेक प्रकार के कष्टों को भी भोगना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई प्राकंड ज्योतिष हो या फिर बहुत बड़ा पंडित हो, नवग्रह के प्रभावों से बच नहीं सकता। ग्रहों को देव माना गया है, इसी कारण से ग्रहों की पूजा की जाती है। ऐसा कोई देव नहीं जो रुष्टता की स्थिति में उसकी पूजा और उपासना करने से प्रसन्न ना होता हो। ग्रह भी उनकी पूजा और उपासना करने से प्रसन्न होते हैं, परिणाम स्वरूप वे अपने पीड़ादायक प्रभाव में कमी करते हैं और शुभता में वृद्धि करते हैं। दोस्तों अधिकांशतः व्यक्ति उन्हीं ग्रहों की पूजा उपासना एवं शांति की कामना करता है जो ग्रह तात्कालिक समय में उसे पीड़ा देते हैं। कुछ समय पश्चात पीड़ादायक ग्रहों की शांति के उपाय करने से शुभ फल प्राप्त होने लगते हैं, पर अन्य ग्रह कुछ पीड़ा देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में किसी विशेष ग्रह का उपाय ना करके यदि हम समस्त 9 ग्रहों की शांति के लिए प्रयास करें तो उत्तम रहता है। इसके लिए अगर नवग्रह रुद्राक्ष माला धारण की जाए तो निश्चित लाभ की प्राप्ति समझी जा सकती है। दोस्तों नवग्रह रुद्राक्ष माला समस्त ग्रहों की प्रसन्नता एवं उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए ही धारण की जाती है। दोस्तों इस माला में 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 9 मुखी रुद्राक्ष तक सभी का प्रयोग किया जाता है। इस माला को किसी भी दिन धारण किया जा सकता है क्योंकि इसमें समस्त ग्रहों के प्रतिनिधि रुद्राक्ष विद्यमान रहते हैं, लेकिन इसे किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को, श्रावण मास के किसी भी सोमवार को या फिर शिवरात्रि को धारण करते हैं तो श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। जब आप ये माला धारण करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजा स्थान के निकट अथवा आवास के किसी एकांत कक्ष में शुद्धि करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके एवं सूती अथवा ऊनी आसन पर बैठें। अपने सामने लकड़ी का पाटा रखें, इस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, इसके ऊपर 250-250 ग्राम अनाज की 9 ढेरियां बनाएं। यदि ये अनाज अलग अलग हो तो ठीक है, अन्यथा जो अनाज उपलब्ध है उसी से आप काम ले सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करें, धूप लगाएं, जल का लोटा रखें। नैवेद्य के रूप में आप किसी भी प्रकार की मिष्ठान का प्रयोग कर सकते हैं। अब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु और केतु के मंत्रों का 21, 31 अथवा 108 मंत्रों का जाप करें। तत्पश्चात समस्त नवग्रहों का ध्यान करते हुए इस माला को धारण करें। अब प्रत्येक दिन संबंधित ग्रह के मंत्रों का जप यथाशक्ति करें, जैसे कि रविवार को सूर्य मंत्र, सोमवार को चंद्र मंत्र का प्रयोग करें। राहु और केतु के लिए अलग से दिन निश्चित नहीं है, लेकिन राहु को मंगल के सदृश एवं केतु को शनि के सदृश माना गया है, इसलिए मंगलवार को मंगल के साथ साथ राहु के मंत्रों का भी जाप करें और शनिवार को शनि के साथ साथ केतु के मंत्रों का भी जाप करें। तो दोस्तों कुछ समय पश्चात ही आपको इस माला का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लगेगा। ये ध्यान रखें कि समस्त ग्रहों की प्रसन्नता के लिए कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि ग्रह रुष्ट हो अथवा ग्रहों की रुष्टता में वृद्धि हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को, ताकि मेरा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। राधे राधे।